सेहत के लिए बहुत खुश उसे तुम जैसा अंडरस्टैंड और प्यार करने वाला पापा मिला। मुझे बस फिक्र इस बात की है कि मेरे होने वाले बच्चे को कभी किसी का प्यार नहीं मिलेगा। मम्मी जी वो जैद को देखे, वो बाहर से आया हुआ बच्चा अब सबकी आंखों का तारा बनता जा रहा है। जैद हमारे लिए हमारे बच्चों की बराबरी कभी नहीं कर सकता, वो पराया है और हमेशा ही पराया रहेगा। मैं ना सही पर मेरा होने वाला बच्चा तो इस घर पे राज करेगा। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अरमान को पता लग जाता है कि उसके घर वाले आसमा को पड़ोसी मुल्क भेज रहे थे। जी हाँ, सुखी और सुखी की वाइफ ने ये प्लान बनाया था कि मैं जो है मुर्तजिम के साथ ही भेज दूंगा यहाँ पर आसमा को, ताकि वो पड़ोसी मुल्क चली जाए मुर्तजिम और जैद के साथ, और यहाँ पर आसमा जो हो वो अरमान के इर्द गिर्द ना हो, और ऐसे में अरमान आलिया के साथ वक्त बिता पाए, आलिया को ही अपना वक्त दे पाए। अब जब अरमान को ये सब पता लगता है तो उसे बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है। इस बात पर अरमान लेता है एक बड़ा फैसला। अरमान फैसला ये लेता है कि वो आसमा के साथ इस घर को छोड़कर चला जाएगा और आसमा के साथ जैद भी ये घर छोड़कर जाएगा, क्योंकि अब जैद आसमा की जिम्मेदारी है। तो अरमान आसमा और जैद घर छोड़कर जाने की बात करते हैं। आसमा सोचती है कि अरमान जो है अगर चला गया तो ये घर तो बिखर जाएगा। अब ऐसे में आसमा कहती है, ये लो इस अग्नि की कसम खाओ और ये बोलो कि तुम ये घर छोड़कर जाना चाहते हो, और अगर जाओगे तो घर वालों का किसी का भी जिक्र नहीं करोगे। अब अरमान के लिए मुश्किल है क्योंकि अरमान जो है घर वालों से बहुत प्यार करता है। अब ऐसे में दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आसमा की गोली भी लग जाती है अरमान के द्वारा गलती से, और यहाँ पर आसमा का ट्रीटमेंट भी शुरू किया जाता है। फिलहाल के लिए तो गाइज इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।